धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9425046807। धार शहर में तिलावरा रोड पर एक करीब 20 वर्षीय युवती के घर में घुसकर एक सिरफिरे युवक द्वारा चाकू से हमला कर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवती को उपचार हेतु इंदौर रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा घटनाक्रम धार शहर में दिलावरा रोड का है। धार CSP देवेंद्र दुर्वे के अनुसार 20 वर्षीय निकिता पर लखन पिता गिरधारी लाल परमार नामक युवक ने चाकू से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार यह मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है, जिस पर तफ्तीश की जा रही है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। कल दोपहर 3 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि MB1 दिलावरा रोड पर चाकूबाजी की घटना हुई है, और जिसके साथ हुई है वो महिला है और करीबन 20 वर्षीय लड़की थी वो, और उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। हमारी टीम पुलिस की अस्पताल पहुंची और ज्ञात हुआ कि उसके पुराने प्रेमी ने, जिससे उसका विगत 5 वर्षों से संपर्क था और एक तरफा प्यार में, और उसकी शादी उसके साथ नहीं हो पा रही थी, इस रोष में उसने उसके साथ चाकूबाजी की घटना घटित की उसके घर में घुस के, और जिस संबंध में हमने पीड़िता को अस्पताल में सहयोग के लिए हमारी पुलिस टीम लगाई, साथ ही साथ साइबर सेल व हमारी एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश में लगाई, और तत्काल 2-2.5 घंटे के ही अंतराल में हमने आरोपी को अरेस्ट कर लिया और अभी पूछताछ से जारी है। ज्ञात हुआ है कि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें हमने अपराध में धारा 302 का भी इजाफा किया है। आपका नाम? समीर पाटिल। Subscribe now to most exciting channel ever.